इन्होंने खाया, कलकत्ता इन्होंने खाया, बिहार के बच्चों के नौकरी के बदले जमीन का लेकर और टिकट के बदले नौकरी देने का काम लालू प्रसाद जी करते रहे। और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए राजनीति, उनको अपने माता पिता को क्रेडिट लेने की चिंता नहीं है, वो नहीं कभी कह भी नहीं सकते कि मेरे पिताजी माताजी ने कुछ किया। नीतीश जी का जरूर क्रेडिट लेने का लोग प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का रिजल्ट जारी किया गया है, तब से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, चाहे वह बिहार में महागठबंधन हो या फिर एनडीए की सरकार हो। बता दें कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जब हम सरकार में थे तभी इस प्रकार की बहालियां निकाली गई थी और नीतीश कुमार बेवजह का जो है क्रेडिट ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तमाम लोगों ने यह दावा किया है कि चाहे वह कोई भी कोर कसर अपना ले तेजस्वी यादव, लेकिन बहाली तो नीतीश कुमार ने ही दिया है। ये बात जग जाहिर है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से ही सारी चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी कहना सही है। तो दूसरी तरफ बिहार में दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वह सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, उनके भी दावे सही हैं। लेकिन क्या कुछ पहले सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कहा है, पहले उनकी पूरी बयान। लालू प्रसाद जी के परिवार को क्रेडिट लेना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। बिहार में भय पैदा किया, बिहार में लूट लिया, बिहार को भ्रष्टाचार की ओर भेज दिया, यही परिचय है लालू प्रसाद जी के परिवार का। नीतीश जी का परिचय है विकास, नीतीश कुमार के शासन में सब दिन विकास की बात हुई, रोजगार की चर्चा हुई, और कुछ लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए राजनीति करते हैं, उनको अपने माता पिता को क्रेडिट लेने की चिंता नहीं है, वो नहीं कभी कह भी नहीं सकते कि मेरे पिताजी माताजी ने कुछ किया। नीतीश जी का जरूर क्रेडिट लेने का लोग प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बिहार की जनता जानती है, नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे बिहार के लोगों को, और 2024 में जब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हो गया तो अब मुख्यमंत्री जी ने कहा 12 लाख नौकरी देकर चुनाव में जाए। लालू जी के पास कुछ है ही नहीं, लालू जी का परिचय यही है, चारा इन्होंने खाया, अलकतरा इन्होंने खाया, बिहार के बच्चों के नौकरी के बदले जमीन का लेकर और टिकट के बदले नौकरी देने का काम लालू प्रसाद जी करते रहे, तो लालू प्रसाद जी का परिचय ही है। आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को किसी चीजों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, वे तो चारा घोटाला के नाम से ही जाने जाते हैं, अलकतरा घोटाला के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें किसी और चीज़ों पर बयान देने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि इस बयान की प्रतिक्रिया आरजेडी की ओर से किस प्रकार से दी जाती है, न्यूज़ फाउंडेशन वह भी आप तक जरूर साझा करेगा। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।